पकड़ा है वो छापर को, वीडियो बनाओ। लग गई है वो, अल्लाह नहीं किया नहीं किया इस वक्त समूह में था। बंदे दिला बच्चा तो नहीं आ गया। चलो चलो ऊपर करो जी, आप नीचे नीचे करो, आप रखे रहना दो, आप क्यों हिला रहे हो जग को। अस्सलामुअलैकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से, आपकी सिस्टर भी कह रहे से। तो जो है ना आप लोगों ने देख लिया होगा स्टार्टिंग में जो है ना अबुज फिशेस लेके आए थे, तो ये जो है ना फिशेस मैं और भांजा जो है ना इकट्ठे मिल के ना इन फिशेस को जो है ना इसके एक्वेरियम के अंदर इनको छोड़ रहे थे। और आप लोग यकीन करें मैं यहाँ पर आप लोगों को कोशिश कर रही थी जो वो एक फ़िश लेके आए हैं वो मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। शायद मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे पास इतनी छोटी सी एक फ़िश है, लेकिन उससे भी ये छोटी फ़िश थी, इतनी छोटी थी कि वो नज़र भी नहीं आती थी। मैं बहुत कोशिश करती रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन वो इतनी छोटी थी नज़र ही नहीं आती। और ब्लैक कलर की तो ऐसी थी जैसे कि ना वो अबू ने उसके अंदर जो स्टोन डाले हुए थे ना वो सेम स्टोन की तरह। और यहाँ पर अबू जो है ना इसको खाना डाल रहे हैं ताकि ये खाना खाने के लिए ऊपर है और मैं इसकी वीडियो बना सकूँ। और ये देखिए आप इतनी छोटी सी, अगर ये हम इनके जो खाना है ना इस खाने के अगर हम तीन दाने इकट्ठे मिला लें तब उतनी सी है। तो मैं कहती हूँ नेल भी हमारा बड़ा होगा, हमारे नेल से भी छोटी और बिल्कुल प्योर वाइट कलर में बिल्कुल ही नज़र नहीं आती थी और ब्लैक थी। मतलब कि हमारी पुरानी वाली जो फिशेस है वो हैं बहुत ज़्यादा प्यारी, लेकिन ये उससे भी प्यारी के अलावा ये मतलब एक देख के हम लोग हैरान थे, इतनी छोटी छोटी सी। और मैं बार बार कोशिश कर रही थी कि मैं आप लोगों को किसी न किसी तरह से ख़ुद भी देख सकूँ, आप लोगों को भी दिखा सकूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं जो है ना इस कोशिश में कामयाब हो गई हूँ। और यहाँ पर जो है ना मेरा क्यूट सा भांजा जो है ना मेरे साथ 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 हेल्प करवा रहा था और साथ साथ मुझे बता रहा था कि यही आप ऐसे वीडियो बना लो, ऐसे वीडियो बना लो। और अबू ने यहाँ पर ना थोड़ी बहुत एक्वेरियम की चेंजिंग की थी तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही थी। और आज का बिजी डे जो था ना वो ये था कि घर में आने थे गेस्ट और फिर सफाई वगैरह ये वो बहुत ज़्यादा हो गए थे। और यहाँ पर जी मैंने जो है ना जितना भी वो कहते हैं ना जो भी इंतज़ाम करने तो वो मैंने छोटे मोटे से कर लिए थे। और उन्होंने ना जिनसे जाके भांजा गया था समोसे लेने के लिए उन्होंने चटनी नहीं दी थी, तो फिर केचप और मायोनीज़ को मैंने अंदर डाल के ना एक प्यारा सा जो जैसे वो कहते हैं ना लुक दे दिया है। और फिर साथ ही जो है ना जब अबू फिशेज़ वगैरह लेके आए थे और साथ में जो है ना अबू ग्रॉसरी की मतलब के जो सब्ज़ी वगैरह लेनी थी वो भी लेके आ गए थे, तो फिर यहाँ पर मैं और भांजा जो है ना मिल के उन सब्ज़ियों वगैरह को चेक कर रहे थे। क्योंकि हमेशा की तरह जो है ना हमारी ऐसी रूटीन है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो देख सकते हैं कि जो भी चीज़ें आती हैं फिर हम उनको चेक कर लेते हैं। चेक एंड बैलेंस लाजमी करना चाहिए ताकि हमारे कोई ना कोई आइटम रह ना गया हो, ताकि हमारी कोई ना कोई चीज़ जाया ना हो गई हो, तो इस तरह जो है ना हम लोग चेक कर लेते हैं। तो फिर यहाँ पर जी मैं सारा का सारा जो चीज़ें हैं ना वो फिर यहाँ पर निकाल रही थी, गेस्ट वगैरह को जो है ना मैंने जो चीज़ें सर्व करनी थी वो मैंने सर्व कर दी थी। अम्मी वगैरह जो है ना वो उनके साथ बैठे हुए थे, मैं भी थोड़ा बहुत मिल वगैरह के मिल के आ गई थी उनको सलाम दुआ करके। फिर मैं यहाँ पर सब्जियों वगैरह को देख रही थी और अबू से जो है ना सारी चीज़ें दिखाने के बाद बताने के बाद फिर मैं आ गई थी जी किचन में। और मैंने काफ़ी सारी सब्ज़ियाँ धो ली थी और फिर यहाँ पर जी गेस्ट भी खैर से चले गए थे, तो फिर जो है ना सारे के सारे जितना खिला रहा था मेरी कोशिश थी उसको जल्दी जल्दी से मैं समेट लूँ, तो यहाँ पर जी मैं समेट के लिए लगी हुई थी। और यहाँ पर मेरा क्यूट सा भांजा जो है ना मुझे तंग करने के लिए आया था। आई आपने अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को बताना कि आपके रिश्ते वाले आए हुए थे, तो इतना वो शरारते कर रहा था, मैं उसकी वॉइसेस मैंने इसकी जो है ना स्किप कर दिया, वरना नहीं तो आप लोग भी सुन सुन के हंस हंस के आप लोग के पेट में दर्द हो जाना था। और यहाँ पर जी मैं प्याज और आलू जब वॉश कर रही थी तो मैं हैरान थी, इतने बड़े बड़े से आलू थे ऐसे लग रहा था जैसे किसी के सर फोड़ना हो, तो इस तरह के प्याज और जो है ना आलू थे। तो यहाँ पर जी मैंने तमाम सब्ज़ियाँ वगैरह वॉश कर ली थी और साथ में जो है ना मैंने फिर
फिर जल्दी जल्दी से जो है ना क्लीन करना स्टार्ट कर दिया ताकि ये जो है ना सारा का सारा खलारा समेट आ जाए, वरना नहीं तो फिर अम्मी आ जाती है ना तो फिर अम्मी देख रही थी फिर दगा दुगी हो जाएगी। तो वैसे भी अच्छा नहीं लगता कि सारी जो चीज़ें है ना ऐसे बिखरी रहे तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता। तो जी यहाँ पर फिर मैंने जो है ना जितना भी आइटम वगैरह था वो सेट कर ली, मतलब अभी सब्जियाँ जो थी ना वो मैंने फ्रिज में सेट नहीं की, बस उनको जो है ना ड्राई होने के लिए रख दिया था। आज के जो दिन था ना बहुत ज़्यादा बिजी रहा है और मैं बिल्कुल ही मतलब कि जिस तरह कहते हैं ना इंसान थक जाता है, मैं वैसे थकी थकी हुई थी, बिल्कुल भी वीडियो वगैरह वो वॉइस ओवर करने का दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि ना मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली जो है ना वेट कर रही होगी, तो इसलिए जो है ना थोड़ा सा वेट व्लॉग आप लोगों को मिलेगा, लेकिन आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। तो आप लोग देखें इसी तरह जो है ना आप लोग मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा करें, दुआ करते रहा करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर देना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी चीज़ें थी ना वो मैंने वॉश कर ली थी, अब उनको जो है ना मैंने ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था ताकि जब ड्राई हो जाएंगे ना फिर इस तरह जो है ना जितने भी बर्तन वगैरह उनको रखे ना तो वो काफ़ी टाइम के लिए लॉन्ग टाइम के लिए चलते रहते। तो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में।